दोस्तों, मैं पहले आप सभी को कुछ दिखाना चाहता हूँ यार। आज मैं आया हूँ अकेले, थोड़ा सा कैमरा हिल सकता है, मुझे माफ कर देना। मैं पहले आपको वो चीज दिखाता हूँ मैं जो देख के आया हूँ अभी। बड़ा भयानक था यार। पहले मैं लाइट को बंद कर देता हूँ, क्योंकि अगर हो सकता है उसने लाइट को देख लिया तो वो चीज वहां से हट जाए। पहले मैं कर देता हूँ गाड़ी को स्टार्ट। मैंने अभी जो देखा ना, सच बता रहा हूँ, अभी जो मैंने देखा, ये देखो पूरा कोहरा। अभी मैं यहाँ पर उस चीज को ढूंढ ही रहा था, उतने में ही मुझे एक यहाँ पर एक चीज ऐसी नजर आई जिसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा सुना था। कहाँ गए? मैं यहीं कहीं पे था और वो चीज सामने थी। ओ, क्या? ओ, ये क्या है? देखो, कौन था वहाँ? कौन था वहाँ पे? दोस्तों, अभी यहीं पे था, अभी इस जगह पे मैंने देखा। मैं पहले थोड़ा आगे तक देखता हूँ जाके, और जब से मैं आया हूँ यहाँ पर तब से मैंने देखा है कुत्ते बराबर भौंक रहे हैं। अजीब सी चीज है जिसके पैर आगे की तरफ है, मुझे समझ में नहीं आया वो क्या था। जानवर था या कोई आत्मा, भूत, पिशाच? यही एक रास्ता है जो जंगल की तरफ जाता है, मुझे यहाँ जाना सही नहीं लगता। आप ये लोकेशन देखो, क्या भयानक चीज थी यार। मुझे पहले यहाँ से हटना चाहिए, वो क्या चीज है मुझे भी नहीं पता। कैमरा थोड़ा हिलेगा, हो सकता है एडजस्ट करना, क्योंकि मैं अकेले हूँ। पहले मैं यहाँ से निकलता हूँ। मैं डर गया था, मुझे ये दो वायर तीन बार दिखी है। चारों तरफ देखो, एक अजीब सा धुआं धुआं सा कोहरा हो गया। बड़ी भयानक चीज थी जो भी थी। दोस्तों, इस जगह के बारे में मैंने इंटरनेट में पढ़ा हुआ था कि ये लोकेशन बहुत भयानक है। लखनऊ का एक जंगल है जिसे शायद कुछ नाम है उसका, मैं मेंशन कर दूंगा, आप थंबनेल में देख लेना उसका नाम क्या है। वही ये रोड है, लगभग
8-9 किलोमीटर की ये रोड है सुनसान। मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ, गूगल टाइम। मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मैं एक बार लाइट बंद कर लेता हूँ। ये देखो मैंने रिफ्रेश कर दिया, बारह बज के 4 मिनट हो रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर एक ऐसा जानवर जैसे ही आत्मा दिखती है या जानवर दिखता है जिसे आज तक कोई ये साबित नहीं कर पाया है वो जानवर है या कोई आत्मा। एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए दिखती है, उसके बाद आंखों से ओझल हो जाती है। वाकई है तो भयानक जगह। बाकी मैं अब यहाँ से चलता हूँ क्योंकि और जो जगह सही नहीं लगती मैं वहाँ से हट जाता हूँ। बहुत कम समय के लिए मैं यहाँ पर आया था, बहुत हो सकता है छोटी वीडियो लगी होगी आपको। बाकी मैं इस रोड पर कैमरे को ऑन रखूँगा, अगर बाई चांस कुछ कैप्चर होता है तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। पहले कर लेता हूँ मैं गाड़ी का स्टार्ट। अब ये लिया मैंने फोकस सामने की ओर, पता नहीं क्यों यहाँ पर एक धुआं ही धुआं सा हो गया है चारों तरफ। अब ये आग जल रही है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन एक अजीब सा कोहरा और धुएं जैसा हो गया और कुत्ते यहाँ पर चारों तरफ से भाग रहे हैं। यहाँ पर एक कूड़ा कचरा और अजीब अजीब सी पन्नियाँ पड़ी हुई हैं। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज है कौन सा रास्ता जाएगा, यहीं पे मैं कंफ्यूज हूँ कौन सा रास्ता जाएगा। अब मैं थोड़ा सा गाड़ी को रखता हूँ, कैमरे को, तो गाड़ी स्टार्ट करके पहले चलता हूँ यहाँ से। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं गाड़ी पकड़ूँ या कैमरा। देखिए पूरा ये चारों तरफ जंगल ही जंगल है, चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल दिखेगा। हाँ पूरा पता नहीं क्या कूड़ा कचरा। ठीक है ये कहाँ से आगे सामने, अरे बाप रे, ऐसा यहाँ पर ये वही चीज है, ये सामने कहाँ से आ गया। वाकई भयानक था यार, क्या चीज था, जानवर या आत्मा। कहाँ गई वो चीज, कौन था यहाँ पर। मैं निकलता हूँ पहले गाड़ी से, यहाँ से हटता हूँ। मुझे पता है कोई आत्मा है क्योंकि जानवर गायब नहीं होता है। क्या चीज थी वो, उसके दोनों पैर आगे थे, मुझे नहीं पता वो क्या था। कोई है तो नहीं, और अजीब सा कोरा कोरा सा हो गया है। पहले कैमरे को रख देता हूँ। दोस्तों सच बता रहा हूँ बहुत अजीब चीज थी यार, उसके दोनों पैर उसके कंधे की तरफ थे और हाथ बाहर की ओर, अजीब सा चेहरा था।
और एकदम सफेद बाल, या तो कोई आत्मा थी या फिर कोई जानवर, मुझे नहीं पता। ये जो भी चीज है, कुत्ते चारों तरफ आपको सुनाई दे रहा होगा, भौंक रहे हैं। हो सकता है कि उसी चीज को देखकर भौंक रहे हो। मुझे इस जगह के बारे में इंटरनेट में किसी ने शेयर किया था, मैंने पढ़ा, और आपने थंबनेल में जगह का नाम देख लिया होगा कौन सी जगह है। मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ। लखनऊ से लगभग 20 किलोमीटर आगे एक जंगल पड़ता है, 8-9 किलोमीटर का। ये वही जंगल है और दूर दूर तक कोई नहीं है। विक्की इस वजह से नहीं आया क्योंकि उसके कोई रिश्तेदार लखनऊ में रहते हैं और वो वहीं पर चला गया था, और वीडियो शूट करना भी ज़रूरी था, इसलिए मैं यहाँ पर देखते देखते अकेले ही चलाया। हालांकि मेरे साथ एक बंदा आया था, लेकिन वो बाहर ही रुक गया था, और एक चाय के टपरी में अभी भी वो बैठा हुआ, बराबर फ़ोन कॉल कर रहा है कि भाई कहाँ हो, अभी तक आए नहीं। वो मेरे बराबर कांटेक्ट में है और उसको भी चिंता है कि मैं अभी तक आया क्यों नहीं। मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि हो ना हो वो या तो आत्मा है या कोई जानवर, जो भी चीज़ है। मैं पार्ट टू में अगर कभी भी यहाँ पर विक्की के साथ आया तो ज़रूर क्लियर करूँगा। फिलहाल मुझे यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि वो जो भी चीज़ है बहुत ख़तरनाक चीज़ है।